के सभी बलून खरीदते हैं? अच्छा लगता है? क्यों? पैसा खर्च होता है तो अगर आप घर पे बनाए तो सब बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पीने वाले पानी, ये पीने वाला ही पानी है, ठीक है? दिखाएं, चलिए ठीक है दिखाते हैं। क्लियर? अब ये इसमें हमने पानी डाल दिया है और ये मग में भी पानी है, इसलिए जब इसमें रिएक्शन होगा, जो भी हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे बलून को फुलाने के लिए, ये बोतल गर्म होगा, इसलिए इसमें हमने पानी डाल कर रखा हुआ है। बोतल ठंडा हो, गर्म होने से बोतल फट सकता है, इसलिए वो बोतल ठंडा हो। ड्रेनेज क्लीनर मिलता है 25 रुपए का, आपको मिलेगा एक पैकेट आता है जो कि नालियों को साफ करने के काम में आता है। इसको हम आधा इसमें डालेंगे। दिख रहा है सबको? किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, घर पे आप प्रयोग कर सकते हैं कि उड़ने वाला बलून कैसे आप बनाएंगे। दयानंद जरा गेट में ताला बंद कर दीजिए। दयानंद एल्युमिनियम फॉल ताला दीजिए, हमने बना रखा है एल्युमिनियम है सारे, इसमें हम डालना है धीरे धीरे। अब इसमें जो रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगा, आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होता है, इसमें आग भी पकड़ सकता है, वो भी हम अभी दिखाएंगे कैसे ये धमाका करता है। अब इसमें ये देखिए रिएक्शन धीरे धीरे होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे इसका रिएक्शन बढ़ेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा और ये बलून फुलना आपका शुरू हो जाएगा। रिएक्शन दिख रहा है, बलून भी फुल रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इसको फुला रहा है। और रिएक्शन के नीचे दिख रहा होगा बोतल, बोतल ये गर्म हो रहा है, कोई आके देखेगा, टच करेगा? आइए, गर्म हो रहा है, अगर ऐसा पकड़े रहेंगे तो फट जाएगा, इसलिए इसको हमने पानी में डुबा के रखा हुआ है। जब तक ये बलून फूल रहा है, आप इस समय एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है, एक बाबा जी हैं वो साइंस का बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और चलती पंखे को रोक दे रहे हैं, देखा आपने? और रोकने के बाद उसी हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनको कितना अच्छा साइंस का नॉलेज है, साइंस से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। उसमें होता क्या है, जितनी ब्लेड की पॉइंट होती है उसी हिसाब से उसकी दूरी की, ब्लेड पंखे की दूरी के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और बाबा को अच्छी तरीके से मालूम है अगर हम पंखे के ब्लेड को दूर से पकड़।
अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील भी होता है, अभी भी इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसमें आग लगा कर देखते क्या होता है, देखा जाए। हल्का हल्का दिख रहा है।